हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइज में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम फिक्स्ड एसेट को परचेज कैसे कर सकते हैं और अपनी कंपनी बुक्स में एंट्रीज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आप हमें टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं टैली के न्यू अपडेटेड नोट्स डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ फिक्स्ड एसेट हमारी कंपनी में क्या मैटर रखती हैं, किस टाइप से हम लोग उसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों फिक्स्ड एसेट जो होती है वो एक तरीके से हमारे लिए कैपिटल गुड्स होती है, मतलब जिन्हें हम परचेज तो करते हैं पर अपने ऑफिस में काम करने के लिए, उसको सेल आउट करने के लिए नहीं। फिक्स्ड एसेट हमारी घर का सामान भी हो सकता है और हमारा ऑफिस का सामान भी हो सकता है। बस फर्क ये होता है जो हम ऑफिस के लिए गुड्स को परचेज करते हैं उस पे हम ITC क्लेम कर सकते हैं। ITC क्लेम यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम क्लेम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर गुड का GST इनवॉइस बनाकर। लेकिन आप जो घर के लिए गुड्स खरीदते हैं उस पे आप अपनी कंपनी का GST देकर ITC क्लेम नहीं कर सकते। अदरवाइज आपको एट द टाइम ऑफ एनुअल रिटर्न्स आपको वो ITC वापस भी करना पड़ सकता है गवर्नमेंट को। इसलिए आप जब भी अपने ऑफिस के लिए जो भी गुड्स परचेज करें उसके लिए आप GST क्लेम कर सकते हैं पर पर्सनल यूज़ के लिए नहीं। तो इस बात का आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, तो ये हमारा घर के लिए यूज़ होती है, तो उस पर अगर आप GST इनवॉइस बनाएंगे भी और अगर आपने ITC क्लेम कर भी लिया तो एंड में आपको वो ITC क्लेम वापस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बट जैसे कि हमारा कंप्यूटर हो गया, ठीक है, तो वो हम अपने ऑफिस के यूज़ में करते हैं, वो हमारी फिक्स्ड एसेट हो गई, मतलब हमने वो परचेज किया है अपने ऑफिस में यूज़ करने के लिए। तो और हमारे जैसे ऑफिस के फर्नीचर होते हैं वो हमारी फिक्स्ड एसेट हो गई। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि हम जो अपने खुद के ऑफिस के लिए सामान परचेज करते हैं उसकी एंट्री हम टैली में किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पार्टिकल लेजर क्रिएट कर देती हूँ जिससे हम परचेज करेंगे गुड्स। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया राम, ये हमारे संदिग्ध क्रेडिटर हैं क्योंकि हम इनसे परचेज करेंगे। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया इसको। उसके बाद मैंने एक फिक्स्ड एसेट परचेज कर ली, मान लीजिए मैंने फर्नीचर कर लिया, हमने फर्नीचर परचेज किया है, इसको अंडर हमें रखना है फिक्स्ड एसेट के। ओके, और इस पे एप्लीकेबल है हमारा GST। ठीक है, यहाँ पे कुछ खास बातें आपको ख्याल में रखनी है, मैं इसको सेट ऑर्डर GST डिटेल्स को अनेबल करूँगी। तो दोस्तों देखिए ये डिस्क्रिप्शन और HSN आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इज़ नॉन GST गुड्स, यानी कि ऐसा गुड्स तो नहीं है जो कि नॉन GST है। नहीं, जब हम फिक्स्ड एसेट परचेज करेंगे तो हमें GST तो देना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद हमें अपना सेलेक्ट करना है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब अगर हमारी विद इन द स्टेट की पार्टी है तो हमारा परचेज टैक्सेबल आएगा, और अगर हमारी पार्टी आउटसाइड द स्टेट की है तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल आएगा। तो हमारी पार्टी जैसे विद इन द स्टेट की है तो हमें यहाँ पे आएगा परचेज टैक्सेबल। अब देखिए दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पे परचेज टैक्सेबल मेंशन किया तो हमें एक न्यू फीचर यहाँ पे अनेबल होके आया कॉल्ड नेचर ऑफ गुड्स। ठीक है, क्योंकि ये हमारे फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट होती हैं उन्हें हम एज अ कैपिटल गुड्स ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो नेचर ऑफ गुड्स क्या लेना रहेगा, कैपिटल गुड्स। यहाँ पे हम कैपिटल गुड्स जब कर लेंगे इसको तो ये ऐसा माना जाएगा कि हाँ ये हमने खुद के लिए यूज़ करने के लिए परचेज किया है, सेल आउट करने के लिए नहीं किया है, तो इसका हमारी इन्वेंट्री पर या फिर हमारे अमाउंट्स पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, मान लीजिए मैंने इसको 18% दे दिया। अब हम इसको कर देते हैं सेव, ये हमारा गुड्स है। ठीक है, ये हमने कर दिया सेव। तो चलिए अब हम मैं आपको बताती हूँ कि हम इसकी एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं। हम आते हैं वाउचर पे और हम जाते हैं परचेज पे। हम परचेज के लिए F9 या फिर परचेज पे भी क्लिक कर सकते हैं। F9 किया, अब ये इन्वॉइस हमारा बनेगा अकाउंटिंग इन्वॉइस मोड में, क्योंकि ये हमारा कोई आइटम नहीं है, ये हमारा लेजर है। ठीक है, अकाउंटिंग इन्वॉइस मोड हमने किया 1 अप्रैल 2021। पार्टी का नेम हमने लिया यहाँ पे राम। ओके, ये पार्टी हमारी दिल्ली की ही है। ओके, अब यहाँ पे मैंने ले लिया मान लीजिए फर्नीचर, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये 1 लाख का परचेज किया। ओके, यह देखिए वहाँ पे मैंने परचेज टैक्सेबल लिया था तो ऑटोमेटिक यहाँ पे परचेज टैक्सेबल आ गया और हमारा जो रेट होता है GST का वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा आ गया। ठीक है दोस्तों,
ये स्क्रीन अगर आपको ना आए तो आप F12 में जाके ये जो ऑप्शन रहता है मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ GST, इसको अनेबल कर सकते हैं। तो आपको GST क्लासिफिकेशन की जो स्क्रीन होती है वो अनेबल होके आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे हमें बनाने हैं CGST का लेजर, हमने बनाया अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST एंड इट्स अ सेंट्रल टैक्स। ओके, ये हमारा सेंट्रल टैक्स अवेलेबल हो गया। अब इसी तरीके से हम SGST का लेजर बना देते हैं कॉल्ड स्टेट टैक्स GST एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है दोस्तों, तो एक एंट्री हमारी हो गई इस तरीके से, ये हमारी हो गई फिक्स्ड एसेट को परचेज करने की एंट्री। अब मैं दिखाती हूँ कि ये हमारा इम्पैक्ट कहाँ पे करेगा। तो चलिए देखते हैं हम अपनी बैलेंस शीट, आते हैं हम बैलेंस शीट पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी फिक्स्ड एसेट में हमारा फर्नीचर आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे परचेज किया है तो हमारे यहाँ पे फर्नीचर हमें आ गया। ठीक है, लेकिन अब आप बैलेंस शीट में क्या देखेंगे कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो है वो हमें माइनस में शो कर रहा है 18,000। ये हमें माइनस में क्यों शो कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि आप ऑफिस यूज के लिए अगर कोई मशीनरी फर्नीचर या कुछ भी सामान खरीदते हैं तो आप उसका ITC क्लेम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमें माइनस में शो हो रहा है कि हम इसको कभी भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं आगे आने वाले अपने टाइम में। तो इसको मैं आपको GST रिपोर्ट्स में भी दिखा देती हूँ, डिस्प्ले GST रिपोर्ट्स, एंड आप देखेंगे कि देखिए GSTR 2 में B2B इनवॉइसेस टैक्स अमाउंट हमारा है 18,000 एंड टोटल ITC अवेलेबल, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इज इक्वल टू 18,000, यानी कि हम इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे GSTR 3B में भी यहाँ पे आपको ये शो कर देगा एलिजिबल ITC, यानी कि 18,000 के ITC के लिए आप एलिजिबल हैं। तो कभी भी आप अपना ITC गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं, आपको वो ITC मिलेगा, क्योंकि आपका जो ये फर्नीचर है ये आपके ऑफिस यूज़ के लिए लिया गया है। ठीक है, अब ऐसे तो हम कह सकते हैं कि जैसे अगर कोई गाड़ी है वो हमने ऑफिस यूज के लिए ली है, लेकिन हमेशा ऑफिस यूज़ के लिए कमर्शियल व्हीकल्स यूज़ होते हैं। अगर नॉर्मल कार आप लेंगे तो वो आपका पर्सनल यूज़ के लिए ही काउंट होगा, तो इस बात का आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस तरीके से आप फिक्स्ड एसेट परचेज की एंट्री अपनी बुक्स में कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, ITC क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, धन्यवाद।